सैयद भाई, आप एक यूनियन के पदाधिकारी हो, यूनियन के अध्यक्ष भी हो, उपाध्यक्ष भी हो, तो अभी रमज़ान शुरू हो गया है, तो रमज़ान के दौरान ये जो अमृत नगर से कौसा तक जो ट्रैफिक जाम होता है, तो ये मसले का हल आपकी नज़र में क्या है कि किस तरह से ये मसले का हल हो और रिक्शा वालों को आराम मिले? मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है, ये अमृत नगर में जितने भी हाथ गाड़ी वाले हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जितने भी हाथ गाड़ी वाले हैं, कौसा में भी जितने भी हाथ गाड़ी वाले, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सबको एनएवी में डालना मांगता है लोग, तो उसका ना सबका चलेगा। उसकी प्यास लगती है तो इंसान कुएं के पास जाता, कुएं प्यास के पास नहीं आता, समझे कि नहीं? तो करेंगे तो हर एक चीज़ का हल है इस दुनिया में, करने वाला चाहिए। यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी साहब है, उनसे मैं विनती करता हूँ कि मेहरबानी करके महीना एक महीने के लिए रमज़ान आएगा है, तो जितने रोजे बचे, जो ईद के दिन का जो बचा है, तो मेरा बोलने मतलब यही है कि जितने अमृत नगर में हाथ गाड़ी है, कौसम हाथ गाड़ी है, सबको एनएवी रोड पर डालो, लोग को रोड पूरा खाली पड़ा है वाला। अच्छा सैयद भाई, हॉकर्स यूनियन वगैरह का ये आरोप रहता है कि रिक्शा वाले रिक्शा वालों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, तो ईद, बासीद और तिवासी ईद को ट्रैफिक जाम क्यों नहीं होता, क्या बोलेंगे इस बारे में? अब इसके बारे में ऐसे नहीं होते, जो बोला सही बोला उसने भी, कि जो ट्रैफिक होती है रिक्शा वाले से ट्रैफिक होती है। और जो पहली बात, तो खड़ा करने जगह नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है। उमरा कौसम में हमारे रिक्शा का स्टैंड नहीं है, हम लोगों ने दुनिया की मांगनी की है, लेकिन हर एक जगह से हमारी हारी है, जीत तो हो ही नहीं रही हमारी। तो मेरी ये सोच है, हर एक जगह स्टैंड बना बना के दो हमारे को, 10-10 गाड़ी का ट्रैफिक कभी होगी नहीं।